हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ड्राइंग्स बाय क्राफ्ट ए टू जेड। तो आज हम वी अल्फाबेट से बनाएंगे क्रिसमस डे की बहुत ही बढ़िया सी ड्राइंग। तो इसके लिए हमें बड़ा सा वी बनाना है। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम शीट को टर्न कर लेंगे। अब मैं जो ले रही हूँ वो सीडी मार्कर ले रही हूँ, आप चाहो तो ब्लैक स्केच पेन भी ले सकते हो। और अब हम वी का यूज़ करते हुए ये देखिए ऐसे हमें अपना क्रिसमस ट्री ड्रॉ करना होगा। जो हमारी वी की लाइन है उससे हल्का सा बाहर की साइड हमें दोनों साइड से कर्व को निकालना है और नीचे यू बनाते हुए अपना क्रिसमस ट्री ड्रॉ करना है। ये देखिए ऐसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आप चाहो तो इसे 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री ड्रॉ हो रहा है। फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है क्राफ्ट ए टू जेड के नाम से, जो उसमें जो आपको ड्राइंग्स मिलेंगी वो बहुत ही डिटेल में मिलेंगी। उसमें ऑयल पेस्टल कलर का भी मैं यूज़ करती हूँ, तो आप प्लीज़ उसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। और इस चैनल में आपको जो मिलेंगी वो बहुत ही ईजी ड्राॅइंग्स मिलेंगी, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो ये देखिए, अब हमने अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे स्टार्स ड्रॉ कर लिए। अब जो हम अपने ट्री पे जो स्टार बनाएंगे वो बड़ा सा बनाएंगे थोड़ा, और उसे मैं बोल्ड भी करूँगी। ये देखिए ऐसे। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखिए मैं अपने स्टार को बोल्ड कर रही हूँ लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ पर बोल्ड मार्कर से भी डायरेक्ट बोल्ड स्टार ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा स्टार भी ड्रॉ हो गया। अब हम अपने ट्री के नीचे जो बनाएंगे, ये देखिए ट्री में जो हमें छोटे छोटे सर्कल से कर्वली लाइन के साथ अब हम अपना सर्कल्स बनाते हुए अपने ट्री को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए ऐसे। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली बनाने में थोड़ा सा डर लगता है तो आप पेंसिल से पहले हर किसी कर्व लाइन ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर अपने सर्कल्स ड्रॉ करते जाएं। ये देखिए, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हमारा क्रिसमस ट्री डेकोरेट भी हो गया। देखिए ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्री के जस्ट नीचे जो बनाना है वो एक स्क्वायर बनाना है। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब हम ऊपर रिबन ड्रॉ करेंगे और प्लस मार्क से हम इस तरीके से अपना रिबन को भी ड्रॉ कर लेंगे नीचे लाइक दिस। अब हम अपने ट्री का ट्रंक बनाएंगे नीचे कर्व लाइन के थ्रू। अब एक और हम गिफ्ट बॉक्स बनाने वाले हैं, उसके लिए भी हमें स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर मैंने, आप चाहो तो स्क्वायर ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर भी हमने रिबन को ड्रॉ कर दिया। यहाँ रिबन मैंने ऊपर की साइड ड्रॉ किया है। ये देखिए कितना इजीली हमारी क्रिसमस की ड्राइंग बन रही है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं टेडी बियर बना रही हूँ। एक मैंने बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया और फिर उसकी नोज पे थोड़ा सा बोल्डली हमने कलर बना दिया। ये देखिए कितना इजी होता है हमारा टेडी बियर बनाना। आपको मेरे चैनल में ऐसी इजी ड्राइंग्स मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमने एक और गिफ्ट बॉक्स बना दिया। आप अपने जैसा चाहते हैं आप उसमें थोड़ा सा अपना चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको 2 गिफ्ट बॉक्सेस बनाने तो आप 2 बना लीजिए। ये देखिए ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग लग रही है हमारी। अब हम कलरिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्केच कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पेंसिल कलर ले सकते हो, ऑयल पेस्टल्स ले सकते हो, जो आपके लिए इजी हो आप वो ले सकते हो। यहाँ मैं स्टार्स में येलो कलर फिल कर दूँगी और अपने गिफ्ट्स के जो सर्कल हैं वहाँ पर भी मैं येलो कलर ले रही हूँ।
बाकी देखिए ऐसे रिबन में भी मैंने येलो कलर फिल कर दिया लाइक दिस। बहुत इजी ड्राइंग है, आप जरूर ट्राई करना। ये देखिए बहुत ही इजी ड्राइंग है। अब जो हम ट्री में डार्क ग्रीन कलर नीचे की साइड डार्क ले रहे हैं क्योंकि नीचे की साइड शेड पड़ती है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर डार्क ग्रीन लेंगे और ऊपर की साइड लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे। अगर आप ये पेंसिल से करेंगी, पेंसिल कलर का यूज करते हुए, तो और अच्छी शेडिंग आएगी। ये देखिए हमने नीचे की साइड सब जगह डार्क ग्रीन कलर कर दिया। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल स्टेप से हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है। ऐसे ही इजी, सिंपल और यूजफुल ड्राइंग्स के लिए इजी ड्राइंग्स बाय क्राफ्ट्स ए टू जेड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अब हम ऊपर की साइड लाइट ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं। ये देखिए ट्री में हमारा कलर फिल हो गया। गिफ्ट बॉक्सेस में आप अपने हिसाब से जो भी कलर जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड कलर फिल कर रही हूँ। यहाँ एक गिफ्ट बॉक्स में मैंने रेड कलर फिल कर दिया ऐसे। देखिए टेडी बियर में कलर करने के लिए, शेडिंग के लिए मैंने अंदर की साइड स्किन कलर फिल किया है और बाहर की साइड में इसकी आउटलाइन ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से, और अंदर की साइड जो मैं फिल करूंगी वो लाइट ब्राउन कलर फिल करूंगी। ट्री के ट्रंक में भी नीचे की साइड शेड पड़ेगी तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा वहां पर डार्क कलर कर दिया है, डार्क ब्राउन कलर। ये देखिए नीचे मैं लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ। आपको मेरी ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए अब हमें ये लाइट ब्राउन कलर हमने कर दिया। आप चाहो तो व्हाइट और रेड भी ले सकते हो। यहाँ मैं स्काई ब्लू कलर ले रही हूँ। नीचे में की साइड में ग्रीन कलर का यूज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ट्री में ऑलरेडी हमारा ग्रीन कलर काफी ज्यादा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही इजी ड्राइंग है, बस मेरे बताए हुए स्टेप्स को आप फॉलो करते रहिए। ये देखिए हमारा ये गिफ्ट में भी कलर हो गया। यहाँ मैं ऑरेंज कलर ले लिया मैंने। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल कंप्लीट हो भी गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।